हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है सब अच्छे से रह रहे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो चलिए, आज बच्चों मैं आपको कुछ कलर पेपर के द्वारा गिफ्ट बॉक्स बनाना सिखाती हूँ, जिसमें आप किसी को भी कुछ भी गिफ्ट रख करके दे सकते हो। वो कलर पेपर हमारे मैरिज वाले, शादी वाले कार्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि हम कार्ड का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, हमें इन्हें फेंकना नहीं चाहिए। तो देखिए, मेरे पास एक ये कार्ड रखा हुआ है। इस कार्ड पर मैंने इस तरह से पहले सर्कल को बनाना है। तो देखिए, जैसे ये कार्ड था मेरे पास, ये मेरे पास एक सीढ़ी है। हमें गोला बनाने के लिए हम यहाँ पर सीढ़ी का प्रयोग कर रहे हैं। वैसे कंपास जो होता है, जिससे हम व्रत वगैरह बनाते हैं, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे बच्चों के लिए इजी रहेगा। तो मैं आपको इस सीढ़ी से ही बताती हूँ कि जैसे ये हमारा एक सिंपल कार्ड होगा पहले, तो इस पे हमने इसको गोला बना देना है, ठीक है? तो जब गोला बनाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का ये गोला बन करके तैयार होगा, और उसके साइड वाले कागज़ को हम कट कर देंगे। उसके बाद इसमें आप फिर जो एक गोला बन जाता है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक गोला जो बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम इसको इस तरह से फिर आगे रखेंगे, यानी कि एक गोला उसके साथ हम दूसरा और बना देंगे। जब ये दो गोले हमारे बन जाएंगे, तब हम इसको कैसे रखने वाले हैं वो देखिए। ये देखिए, इसमें मैंने एक बड़े ढक्कन से इसको बनाया है। ये देखिए, ये पहले ये गोला है, इसके बाद ये दूसरा गोला है। अब इसमें आप देख रहे होंगे बेटा कि एक गोला यहाँ से लेके हमारा ये था, दूसरा गोला यहाँ से लेकर यहाँ तक था। तो जब हम इसमें ये निशान लगाने वाले हैं, देखिए ये हमारा यहाँ से लेकर के गोले की जो ये वाले बीच की यहाँ जो त्रिज्या है, ये 8.5 है। 8.5 इधर से है, 8.5 फिर यहाँ पर इतना है। फिर इसके हम इस तरह से इसको बराबर बराबर भागों में पहले बांट लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये जो किनारियां हैं वो सारी बराबर ही बनानी होती हैं। तो इसी तरह से हमने इसको अलग अलग निशान, देख लीजिए आप ध्यान से। पहले आपने क्या करना है, देखो ये इस तरह से ये काटा, फिर इधर से इसको इस हिस्से में बांटा, फिर यहाँ पर देखिए जो ये ऊपर से यहाँ तक दूरी है, ये हमारी 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर पर हम सब रेखाओं पर यहाँ निशान लगा लेंगे, और निशान लगाने के बाद जो हमारा ये वाला जो ढक्कन दिया है मैंने, इसको हम इस तरह रख करके ये किनारी के हम चारों कोने में इस तरह से निशान लगाएंगे। देखिए इधर से ये बन जा रहा है। फिर जो दूसरा सर्कल है, दूसरे सर्कल में भी सेम यही प्रोसीजर हम इसमें करेंगे। इसको भी पहले बराबर हिस्सों में बांट करके, ये देखिए यहाँ से लेके ऊपर यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है। सब तरफ हम 4 सेंटीमीटर पर निशान लगा करके, और जो ये वाला हमारा ढक्कन होगा, इसको हम इस तरह के रख करके इस तरह से निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद हमें इस ढक्कन को ही जहाँ जहाँ हमने ये गोला लगाया है ना, इसमें हम थोड़ा सा इस तरह से रख करके इसको बराबर घुमा देंगे बेटा। ऐसे घुमाने से क्या होगा, फिर हमारा जो आकार है वो कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा। सब किनारों पे हमने इस तरह से इसको घुमा देना है। ये देखिए, सीधी वाला भी ऐसी है। ये देखो, इसमें भी दिखाई दे रहा होगा आपको, ये निशान लगे हुए हैं सारे। इसको भी मैंने सीधी वाले पोर्शन को इस तरह से ये रखा, और ये देखिए इस तरह से रख करके ना इसको हमें ऐसे मोड़ देना है। जब हम इसको सब चारों तरफ से मोड़ देते हैं, तो देखो ये कुछ इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएंगे। देखिए आप, ये बन जा रहे हैं ना। अब हम इसको इस तरह से रख करके ये ऐसे मोड़ देते हैं। ये देखिए कितने आसानी से एक बॉक्स बन जाएगा।
अब इस बॉक्स पे हमारे पास कोई स्टिकर है उसे लगा सकते हैं हम, जैसे मैंने इस वाले बड़े डिब्बे को बनाया है। इसमें देखिए ये हमारे पास एक कार्ड था, कार्ड के ऊपर मैंने इसको देखिए कलर कर दिया है थोड़ा सा। कलर करने के बाद ये डिज़ाइन वाला बन गया है ना। अब इसमें हमें यहाँ पर एक टेप चाहिए होगी, ये वाली, ये डबल साइड वाली टेप होती है, इसको कट करेंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने लगाया है, इसमें इधर भी लगाया है अंदर की साइड। अब हम जब किसी को कोई सामान रखने के देने वाले होंगे तो पहले हम इसके बीच में यहाँ पे कुछ भी सामान रख देते हैं, जैसे बर्थडे में हमें किसी को टॉफ़ी देनी है या चॉकलेट देनी है या कोई छोटा सा टॉय देना है तो बीच में रखते हैं और हम इस तरह से इसको बंद करते हैं। इसके बाद ये डबल टेप है, इसको हम यहाँ से दोनों को उतार देंगे। उतारने के बाद हम इसको कुछ इस तरह से जोड़ देते हैं। देखिए ये बॉक्स बंद हो गया, देख रहे हैं आप। और उसके बाद अब आप इसमें हैप्पी बर्थडे का के लिए देना है तो उसमें हैप्पी बर्थडे का एक पेपर पे स्लिप लिखिए और उसके ऊपर लगा दीजिए और अपने फ्रेंड को दे दीजिए, अपनी दीदी को दे दीजिए, जिसे भी आप देना हो उसे आप गिफ्ट रख करके इसमें दे सकते हैं। ऐसे ही आपका ये छोटा वाला है। ये तो आप अगर आपके पास बड़ा वाला नहीं बना पा रहे हो तो छोटा वाला तो आप इजीली बना सकते हो। ये देखिए सीढ़ी सबके घर में रखी होती है, पेपर पर निशान लगाइए, एक बार फिर देख लीजिए आप किस तरह से आपको निशान लगाना है। आपको पेंसिल के निशान इसमें दिखाई दे रहे होंगे और उसी तरह से आप इसको फिर बना पाएंगे। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से ये गिफ्ट पैक को बना पाएंगे और अपने फ्रेंड्स को विश कर पाएंगे। फिर मिलते हैं हम नई गतिविधि के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।